मेरी तू हंसती रहे, तेरी आंख खड़ी भर नम ना हो। मैं मरता था जिस मुखड़े पे, कभी उसका उजाला कम ना हो। मुझे सिर्फ ये डर लगता है कि पैसा चला जाए, मुझे कोई डर नहीं है। मेरे में टैलेंट है, मैं दोबारा खड़ी हो जाऊंगी। घर चला जाए, मैं दोबारा बना लूंगी। मां नहीं जानी चाहिए कभी। मम्मी मुझे एक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बताओ। मैं सुंदर थी, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर रहूंगी। और पापा आप बताओ। इसको वैम था, इसको वैम है और इसको वैम रहेगा। देखो भाई, गर्लफ्रेंड के सहेली को पटाने का दो सबसे आसान तरीका है, जिसमें से पहला वाला तो कभी नहीं बताऊंगा किसी हालत से, लेकिन दूसरा वाला जो है वो भी क्यों बताऊं यार। मैं एक गर्लफ्रेंड के लिए तरस रहा हूं, तो मैं उसकी सहेली भी चाहिए। इस दुनिया में बिना किसी स्वार्थ के प्यार सिर्फ माँ ही करती है। मेरे जमीन का जो आसमान है वो मेरी माँ है। ऐसा कुछ नहीं होता। कैसे नहीं होता? नहीं होता है तो नहीं होता है बस। तुम्हें कहीं से नहीं होता ऐसा है। ये गुंडा करती अपने घर में दिखाना यहाँ नहीं चलेगी। अपने घर में गुंडा करती दिखाने के लिए गुंडा बने हम? हद है बेवकूफियत की। मैं रात भर जन्नत की सैर करता रहा यारो, पर जब सुबह आग खुली तो देखा सर माँ के कदमों में था। इंडियन मदर्स विल गिव यू ब्लैकमेलिंग डायलॉग्स ऐसे, मम्मी चश्मा नहीं मिल रहा, वहीं होगा जहां तुमने रखा था, मैं थैंक यू अभी भी नहीं पता है का। मम्मी तौलिया नहीं मिल रहा, इसके अंदर घुसो, उसके ऊपर वहां रखा है। किसके अंदर घुसो, किसके ऊपर कहां रखा है? माँ, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती है। मेरी खुशी में मेरी माँ को खुशी मिलती है। मेरे तकदीर में एक भी दम नहीं होता अगर मेरे तकदीर लिखने का हक मेरी माँ को होता। मम्मी मुझे एक पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस और फ्यूचर टेंस का सेंटेंस बताओ। मैं सुंदर थी, मैं सुंदर हूँ, मैं सुंदर रहूंगी। और पापा आप बताओ। इसको वैम था, इसको वैम है और इसको वैम रहेगा। माँ, माँ अपने बेटे से कहती है, बेटा अगर मेरी आंखें खराब हो गई तो तुम क्या करोगे? बेटा कहता है शहर ले जाकर इलाज करवाऊंगा। माँ कहती है तब भी ठीक ना हो सकी तो? बेटा कहता है माँ पैसे खर्च करूंगा, विदेशों में आपकी आंखों का इलाज कराऊंगा। माँ हंस पड़ी तो बेटा कहा माँ अगर मेरी आंखें खराब हो गई तो आप क्या करेंगी? माँ का दिल तड़प उठा। माँ बोली मेरे लाल तू तो मेरा कलेजा का टुकड़ा है, मैं अपनी आंखें तुझे दे दूंगा। हाय गाइस, एक छोटी सी कविता बोलना चाहती हूँ हम सभी की मम्मा के लिए। खुली थी जब ये आँखें, देखा था जिसे पहली बार, असीम ममता और प्यार दी जिसने हर बार, मेरी माँ तुम ही हो मेरी संसार। एक महीने में तू 5 लाख कमाएगी? हाँ कमाऊंगी। कैसे? उल्टी खोपड़ी हूँ, बहुत आइडिया मेरे पास। एक आइडिया बता। हाँ 5 लाख कमाना तेरी बस की बात नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि तू अपने आप को समझती तो पे, लेकिन है बड़ी बोली। हाँ कोई गाना याद नहीं आ रहा है तो ऐसे ही वीडियो बना दिया है। दोस्तों अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हैं तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखना। वाह रे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के आगे माँ रद हो गई। बड़ी प्यारी बात कहूंगा, पेड़ बूढ़ा ही सही मगर उसे आंगन में रहने दो, फल तो नहीं लेकिन छांव जरूर देगा। इसी तरह माँ बाप अगर बूढ़े हो जाएं तो उन्हें घर से ना निकालो, पैसे तो नहीं लेकिन आपकी औलाद को अच्छी तरबियत जरूर दे सकते हैं। जब तुमने इस दुनिया में पहली सांस ली तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे साथ थे, अगर उनमें बुढ़ापा आ जाए तो उनका साथ मत छोड़ना, क्योंकि माँ बाप से बढ़कर दुनिया में कोई दौलत नहीं होती, माँ बाप से बढ़कर कोई शय नहीं होती। अगर सहमत हो तो शेयर जरूर करना। जय हिंद जय भारत। माँ एक बात और बुझू। बुझ इब के बुझेगा। माँ ए माँ हाँ? मैं टीवी देख लू। टीवी तो देख ले पर चलाइए मत ना। इंडियन मदर्स विल गिव यू ब्लैकमेलिंग डायलॉग्स ऐसे, मम्मी चश्मा नहीं मिल रहा, वहीं होगा जहां तुमने
रखा था, मैं थैंक यू अभी भी नहीं पता है का। मम्मी तौलिया नहीं बढ़ रहा, इसके अंदर घुसो, उसके ऊपर वहां रखा है, किसके अंदर घुसो, किसके ऊपर कहां रखा है? मम्मी भूख लग रही है, मैगी बना दो। कल मुँह ही इतनी बड़ी हो गई अपने काम खुद किया कर। हाँ सही कह रहे मम्मी आप, लड़का भी ना मैं खुद ढूंढूंगी अपने लिए। कल मुँह ही बच्चे ना माँ बाप के लिए हमेशा छोटे ही होते हैं। ला मैगी। ओए सुनो। हाँ बोल। कितनी सुंदर हो यार तुम। अरे यार झूठ बोलना बंद करो। ओहो समझदार भी हो। बेटा इस बार मुझे एग्जाम में पूरे 90% चाहिए। लेकिन पापा मैं तो 100% की सोच रहा था। मजाक मत करो बेटा। अच्छा शुरुआत किसने की पापा? अमृत। हाँ जी। हमें ब्रेसलेट लेना। ब्रेसलेट? हाँ जी। की करना? ए नजर नुजर तो हुंदा पौन हूँ। तेनू नजर कदी लगनी मीते? आओ सही गल है, एड्डा वड्डा नजर फट्टू नाल फेरदा नजर। मुझे हमेशा से आईफोन पसंद था लेकिन इतने पैसे नहीं थे तो मौसी ने बोला कि किडनी बेच दे। आज मेरे पास दो दो आईफोन है लेकिन मौसी नहीं रही। एक बहुत ही प्यारी बात कहूंगा। एक लड़की ने फेसबुक पर लिखा कि अगर माँ बाप को रखने की इजाजत बेटियों को मिल जाए तो पूरे देश में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। इस पर एक लड़के ने बहुत ही समझदारी से जवाब दिया कि अगर वही बेटियां शादी के बाद अपने सास ससुर को ही अपना माँ बाप मान ले तो देश तो क्या पूरी दुनिया में एक भी वृद्धाश्रम नहीं रहेगा। सहमत हो तो शेयर जरूर। बीबी गुस्सा हो? नहीं बीबी नहीं। बीबी गुस्सा हो? नहीं बीबी नहीं। बोलो ना गुस्सा हो? अबे चुड़ैल बोला ना नहीं गुस्सा। माँ मैं बाहर जा रही हूँ, वैलेंटाइन बनाने जा रही है ना। क्या? माँ मैं ट्यूशन जा रही हूँ, वैलेंटाइन। माँ कुछ खा के आती हूँ, वैलेंटाइन। माँ नहाने जा रही हूँ, वैलेंटाइन। थोड़ी सी चाय बना ले, वैलेंटाइन। अरे यार ये क्या वैलेंटाइन वैलेंटाइन लगा रखा है, मेरी शक्ल दिखा, आपको लगता है मेरा कोई बॉयफ्रेंड है? एक्सक्यूज मी। जी कहिए। मेरे होने वाले बच्चों की तरफ से आपको हैप्पी मदर्स डे। माँ एक बात और बुझू? बुझ इब के बुझेगा। माँ ए माँ हाँ? मैं टीवी देख लूं। टीवी तो देख ले पर चलाइए मत ना। देख मेरी चाहने वाली। कौन? तू रिप्लाई किया ट्रू कॉल पे? देख हुन्नस में हाँ, तू रिप्लाई क्यों किया? अल्बिना दादर कर। अपनी अल्बिना? अपनी काहे की अपनी? ये क्या था? गवाह बुला रहे? गवाह बुला रहे? कुत्ता बुला रहे हो? बेटा इंसानों तरीके हाजिर हो करके बुला ले। वैसे हम नहीं बुला पाते यार। तुम बुलाओ। अरे यार गजक पट्टी वाले हाजिर हो। एक 8 साल के बच्चे की माँ मर जाती है। एक दिन उसके बाप ने उससे पूछा कि बेटा तुझे तेरी मरी हुई माँ और नई माँ में क्या फर्क लगा? तो बेटे ने जवाब दिया कि मेरी नई माँ सच्ची है और मेरी मरी हुई माँ झूठी थी। ये सुनकर उसके बाप को झटका लगा और उसने कहा कि बेटा तू ऐसे कैसे कह सकता है कि जिस माँ ने तुझे जन्म दिया वो तुझे झूठी लगती है और कल की आई माँ तुझे सच्ची लगती है। तो बेटे ने जवाब दिया, पापा जब मैं मस्ती करता था ना तो माँ कहती थी अगर तू मस्ती करेगा तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, लेकिन फिर भी मैं मस्ती करता था और वो मुझे पूरे गांव से ढूंढ कर लाकर अपने पास बिठाकर अपने हाथ से खाना खिलाती थी, और नई माँ कहती अगर तू इसी तरह शरारत करेगा ना तो मैं तुझे खाना नहीं दूंगी, और आज सच में उसने मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया। सॉरी प्लीज माफ कर दो ना, अब नाराज मत हो प्लीज। इधर दिखाओ मुझे, लगा लेना खुद को चोट। I love you. तू हसदा है ते मेरा रब हसदा तेरे अंदर। भैया 2 प्लेट मोमोज दे दो। अरे मेरे लिए मत ले यार। भैया 1 प्लेट ही देना, मैं तो तेरे में से खा लूंगी। बेटा मेरे में से तो मत उठा लियो, एक भी बहुत पिटेगी। भैया 2 प्लेट ही दे देना। ओए सुना। हाँ बोल। कितनी सुंदर हो यार तुम। अरे यार झूठ बोलना बंद करो। ओहो समझदार भी हो।